जातिवाद सबसे बड़ा एक उसका कारण है अपराध होने का। जातिवाद के कारण अपराध होता है। जो ताकतवर लोग हैं उनकी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख भी नहीं उठा कर देख सकता, जो गरीब लोग हैं हर आदमी कौवा बन के गिद्ध बन के उनकी तरफ देखता रहता है, उनके माल को लूटता रहता है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तुम 5,000-5,000 बीघे के घरों में रहते हो, खेती है तुम पे, और 500-500 गजों में बड़े बड़े मकान बना के फिर भी छोटे छोटे गरीबों के लिए नियत है तुम उनकी जमीन को लूटने के लिए, उनके घरों को लूटने के लिए। थाने में SHO जो पुलिस वाले हैं वो जाति देख के काम करते हैं। जाति देश का एक कड़वा सच है। जाति, आप जातियों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जो अपने आप में सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बनते हैं कि हम दलितों को मुस्लिमों को बचाने का काम करेंगे, वो सबसे पहले अपने लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ें जो जातिवाद करते हैं। 10 रुपया, 50 रुपया और 1,000 रुपया की चोरी पे आदमी 6-6 महीना जेल रहता है, और जो पूरे देश को लूट कर ले गए, विदेश भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे ही लोन वाले केस हैं कि आपने अगर 50,000 रुपया लोन ले लिया, बैंक का तो आपको उठा कर ले जाता, बंद कर देता, आपकी कुर्की कर देता, मगर जो 50-50 करोड़ लोन ले रहे हैं वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। तो वही है, दलितों पर डिबेट हो रही है और सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। आप बताइए, रिजर्वेशन पर डिबेट हो रही है, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो कैसे बात चलेगी मेरे भाई? अरे जिनसे डिबेट हो रही है जिनके बारे में, उनके लोगों को तुम बुला ही नहीं रहे हो। आप बताइए, आंदोलन दलितों के लिए हो रहे हैं, आंदोलन कोई है नहीं, जो शोषण कर रहे हैं वो उन्हीं के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप मारा दूसरे भाई ने, तीसरा भाई बचा रहा है, और जज न्याय कौन कर रहा है? उनका ही भाई कर रहा है। न्याय भी वही कर रहे हैं, मार भी वही कर रहे हैं, सब कुछ वही रहे, पुचकार भी वही रहे, तो सब उनके बीच में होगा ना। और जो 85% है यहाँ क्या करने आए हैं? घंटा बजाने आए हैं क्या? अगर कोई दलित है, मुस्लिम है, OBC है या माइनॉरिटीज है, उसके खिलाफ ज़्यादा अच्छी तरह FIR होती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर न्याय इतना महंगा हो चुका है कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्योंकि जितने भी ST, OBC माइनॉरिटीज लोग हैं वो गरीब ही लोग हैं, उनके अच्छे एडवोकेट्स नहीं हैं। एडवोकेट्स हैं तो वो एडवोकेट्स की फीस नहीं दे सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को लड़ने के लिए 1,00,000 रुपया पर हियरिंग देनी पड़ती है, तो गरीब लोग कैसे दे पाएंगे? नहीं बिल्कुल, वो 2019 की रिपोर्ट है, NCRB की रिपोर्ट है, कहती है कि दलित SC ST OBC और माइनॉरिटीज उनकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से ज़्यादा वो लोग जेलों में हैं। अगर आप SC की बात करेंगे तो SC की जनसंख्या अगर देखेंगे आप 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 60.6% है, मगर उनके जो कन्विक्शन जो परसेंटेज है वो है 21.7%, और उनका जो अंडर ट्रायल लोग हैं वो 21% है। आप ST की देखेंगे तो ST की है 16.6%, ये उनका कन्विक्शन रेट है, और 14.7% उनका अंडर ट्रायल है, जबकि उनकी जो अगर देखा जाएगा जनसंख्या उनकी देखी जाए, पॉपुलेशन देखी जाए, तो 80.6% है। ऐसे ही अगर OBC के आप लेके आएंगे तो OBC के अंदर 35% कन्विक्शन रेट है और 34% अंडर ट्रायल है, जबकि उनकी अगर जनसंख्या देखी जाए, एक सेंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 41% उनकी जनसंख्या है। अगर मुस्लिम की आप बात करेंगे तो मुस्लिम में भी यही है पूरा, मुस्लिम के अंदर सर ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मुस्लिम के अंदर भी ऐसी ये एक प्रकार से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के अंदर जो कानून है वो कुछ चंद लोगों के हाथों में कानून है, एक चंद जाति के हाथ में कानून है, तो वो चेहरा देखकर, लोगों को देखकर, पहले तो FIR ही लोगों को देखकर होती है, तो इसलिए न्याय जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। और जब न्याय इतना महंगा हो चुका होता है तो उस देश में फिर न्याय लेना बहुत ही टफ हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब जब भी इस देश के अंदर लोगों पर अत्याचार किए गए हैं तो सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, सरकार तो उल्टी अत्याचार करती है, अत्याचारियों के साथ लग जाती है, तो इसलिए ये देश में कानून का मजाक उड़ा गया। देखो जो कानून बने हुए, स्पेशल एक्ट बना हुआ है SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, उस कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, और जो भी अनटचेबिलिटी करेगा, जातिवाद का केस होगा, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। IPC की धाराओं में भी केस दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक साइटेशन से एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेज उत्तर प्रदेश स्टेट्स, उसमें क्लियर कट किया गया है कि कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, तो पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड FIR, एक FIR करने के लिए वो ड्यूटी बाउंड है। मगर आपने देखा होगा कि रजिस्टर्ड भी FIR नहीं होती हैं, और जो विक्टिम होता है उनके खिलाफ ही FIR कर दी जाती है और उनको जेल में भेज दिया जाता है, और जब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में
जो जजेज हैं या फिर जो एडवोकेट्स हैं वो एक ही समुदाय के लोग हैं जिनमें ये देखा गया है कि वहाँ से न्याय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो लंबे समय तक छोटे छोटे केसों में लंबे समय तक जेलों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कानून है वो भी अमीरों के लिए अलग कानून बन रहा है और गरीबों के अलग बन रहा है, तो इसलिए ये रेशियो बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा रेशियो होने वाला है, हम जानते हैं। कहा जाता है कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून किताबों में सबके लिए बराबर है, किताबों में सबके लिए बराबर है, मगर अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो सबके लिए बराबर नहीं है। आप अगर एक ऐसे पद पर आए हैं जहां आप संविधान की शपथ लेते हैं तो वहां आप बिना जाति देखकर न्याय करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मगर जब आप देखते हैं कि आपकी जाति क्या है, जाति देख के आप काम करते हैं, सबसे पहले तो आप अगर साथ में बैठते बातचीत करने से पहले ही करते हैं कि आपका नाम क्या है, नाम के पीछे क्या लगाया है, आप पहले जाति ढूंढना, अल्टीमेटली आपका मकसद ही जाति ढूंढना है कि कौन सी जाति का इंसान है। आप जब तक जाति नहीं ढूंढ लेते जब तक आपकी रोटी नहीं पसती है। इस देश में जातिवाद दे सच्चाई है और जातिवाद को लड़ाई लड़नी चाहिए, और जितने भी ये लोग हैं जितने भी एक्टिविस्ट बनते हैं जो अभी ब्राह्मण समाज के बहुत सारे एक्टिविस्ट बने हैं, मैं उनके नाम भी ले लूंगा यहाँ पे, बहुत सारी अभी टीम होती है, वो जातिवाद पे क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते वो जातिवाद पर, वो अपने समाज पर बात नहीं करते। उनका समाज लंबे समय से एक जातिवाद करता आया है, उनका समाज लंबे समय से एक ब्राह्मणवाद को अपनाता आया है, लोगों को नफरत करता है, आज तक तो उन्होंने उस पर कोई बात नहीं करी है। वो लोग उन्हीं के लोग अत्याचार कर रहे हैं और वही लोग हमारे लोगों को बचाने का काम करते हैं, वही लोग कहते हैं कि नहीं हम डॉक्टर कपिल को बचाएंगे, हम उनको बचाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जब उनकी बात आती है कि भाई आप जातिवाद के लिए खिलाफ क्या काम कर रहे हैं, आप राम मंदिर के खिलाफ क्यों नहीं बोले, आप मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोले, आप क्यों नहीं बोले कि राम मंदिर में जो पुजारी हैं ट्रस्ट है एक ही समाज के क्यों बने हैं, आपने क्यों नहीं कहा आपने बोला। तो आप जब जाति की बात आती है, धर्म की बात आती है, अनटचेबिलिटी की बात आती है तो आप चुप हो जाते हैं, रिजर्वेशन की बात आती है चुप हो जाते हैं आप, और जब आप अत्याचार की बात आते हैं तो आप सबसे बड़े ऐसी बन जाते हैं। ये डबल चेहरा है, ये डबल चेहरा है, इस चेहरे को समझना चाहिए इंसानों को। हम तो जब जानेंगे जब जातिवाद के खिलाफ होना चाहिए, वो कहें कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं जाति को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ धर्म को, मैं जाति धर्म को नहीं मानता हूँ, सबसे बड़े 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 टीके लगा के वही चलते हैं। हम अगर गलत है तो अपने को भी गलत कहेंगे, दूसरों को भी गलत कहेंगे, हम ऐसा नहीं है कि आप एक्टिविस्ट बने तो अपने को तो सही कहेंगे और दूसरे को गलत कहेंगे, जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए, इस देश के अंदर संविधान का राज होना चाहिए, अगर इस देश के अंदर संविधान का राज होगा तो उसमें सबको सुरक्षा मिलेगी और सबको सम्मान मिलेगा। अगर इस देश के अंदर कुल चंद लोगों को सम्मान मिलेगा, कुछ चंद लोगों को एजुकेशन मिलेगी, कुछ चंद लोगों को और फैसिलिटीज मिलेंगी, तो फिर और जो लोग हैं 85% है वो कहाँ जाएंगे बेचारे। कि आप लोग दलितों की कहीं बात नहीं होती है, ओबीसी की कहीं बात, उनके अधिकारों की कहीं बात नहीं होती है, एजुकेशन की कोई बात नहीं होती है, जातिवाद की बात होती है तो कहीं बात नहीं, हम जातिवाद की, ये तो वही गांधी की तरह कर रहे हैं कि हाँ आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए मगर ये जो वर्ण व्यवस्था इससे छेड़छाड़ी मत करो, अगर इससे छेड़छाड़ी करोगे आप, अगर दलितों को राइट दोगे एजुकेशन का तो मुझे फिर मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से बचना चाहिए कि जो सिर्फ एक मुद्दे को उठाकर सिर्फ ये वाई वाई करना चाहते हैं कि हम तुम्हारी वाई वाई करना चाहते हैं। सोशल मुद्दे होने चाहिए, अगर ब्राह्मण हैं तो दलितों के मुद्दों की आवाज़ उठाने चाहिए, क्यों नहीं उठा रहे दलितों के, हम ब्राह्मणों की आवाज़ उठा दें। अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मारा गया तो हमने बोला कि ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, गलत मारा जा रहा है, क्योंकि हत्या किसी की भी हो, चाहे ब्राह्मण की हो चाहे और किसी की हो, गलत हो रही है, हमने उस पर आवाज़ उठाने का काम किया, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, हम जो भी सरकार गलत करती है उस पर उठाने का काम करते हैं। और अगर मैं आवाज़ भी कहता हूँ, जैसे बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में थी, उनके राज्य में ब्राह्मणों को काफ़ी सुविधा दी गई, तो वहाँ भी उसको भी हमने किया अप्रिशिएट किया कि अगर आपको बहन कुमारी मायावती ने बचाया है 2007 से लेकर 2012 तक, तो आगे अगर आह्वान करें तो आगे भी बचा सकती हैं। हमने बोला कि हाँ ठीक उनको वेलकम होना चाहिए, हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जो ब्राह्मणवाद है, छुआछात है, ऊंच नीच है, उसके खिलाफ है हम लोग, तो उसके खिलाफ जब तक रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है, क्योंकि हम ऊंच नीच नहीं देख सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जैसे खेत में ऊंचा नीचा खेत होता अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है, समाज में अगर ऊंचा नीचा समाज रहेगा तो अच्छा समाज नहीं बन सकता, अच्छा समाज नहीं बनेगा तो अच्छा देश नहीं बन सकता, अच्छा देश नहीं बनेगा तो फिर आने वाली जनसंख्या जो है हमारी वो बेचारी ऐसी रह जाएगी। हम अच्छा देश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार का देश हो, जिसमें समता, मैत्रिक भाईचारा हो, बंधुता हो और जो सबको प्यार से आगे लेके जाए, ऐसा देश बनाना चाहते हैं।